हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 में आती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर W से डिनोट करते हैं, पूर्णांक Z से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर, और ये परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए एक जो है संख्या रेखा बनाते हैं, उस संख्या रेखा पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक संख्या रेखा है, इस पर कुछ संख्याओं को हमको दिखाना है, तो इसलिए इस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। ये जो है संख्या रेखा है, इस पर कुछ संख्या को हम दिखाते हैं। इस संख्या रेखा पर ऐसी संख्या दिखाते हैं जो गिनती में आती है, जैसे 1, 2, 3, ऐसे बढ़ते क्रम में होगा, डॉट डॉट 4, 5, 6, इन्फिनिटिव अनंत तक। तो ऐसी संख्या जो गिनती में आती है, तो ऐसी संख्या के समूह को प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऐसी संख्या के समूह को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो शामिल कर ले, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो शामिल कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जीरो 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के संख्याओं के समूह को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर। अब इस रेखा पर कुछ संख्या को हम दिखाते हैं। अभी देखिए, जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसका नेगेटिव को यहाँ दर्शाते हैं। जैसे 1 है, तो इसका नेगेटिव क्या हुआ, -1, ऋणात्मक। 2 तो -2, -3, इधर होगा -4, -5, -6, ये बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम में हुआ, -4, -5, इधर हम दिखाते हैं। तो ऐसी संख्याओं के ये जो है टोटल जो संख्या रेखा पर दिख रहा है, ये जो है ऐसे समूह को जो बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। ऐसी संख्याओं के समूह को इंटीजर करें कहते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसका नेगेटिव -1, -2, -3, -4, ये टोटल जो है को इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं दिखाई गई, ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर में तीन भाग हो जाता है। अब इंटीजर जैसे 1, 2, 3, ये इंटीजर है, लेकिन इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो है यहाँ से ये बढ़ते हुए क्रम में होगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। -1, -2,
ऐसे अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये चूंकि नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है इंटीजर है ना, नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये एक इंटीजर है। तो इस संख्या रेखा पर हमने दिखाया नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है, और ये जो है पूरे जो संख्या दिखाई दे रही है सब क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इसमें तीन भाग हो गया, इसे इस ये जो है इस तरह के पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, इस तरह के पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आइए वन बाई वन करके दर्शाया जाए, जैसे प्राकृत संख्या, यही प्राकृत संख्या है जो गिनती में आती है एक से लेके अनंत तक, जो गिनती में आती है संख्याएं वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट अनंत, ऐसी संख्याओं के समूह को बोलते हैं प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इस संख्याओं के समूह में वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट इन्फिनिटी में अगर जीरो शामिल कर लिया तो ऐसी संख्याओं के समूह को बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समूह कौन सा हुआ, जैसे जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्याओं के समूह। मैं इसका नेगेटिव ले ले, मैंने प्राकृत संख्याओं का नेगेटिव शामिल करते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डॉट डॉट, तो ऐसे संख्याओं के समूह को बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में तीन पार्ट हो जाता है, तीन भाग हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो एक पूर्णांक है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक होता है। तो इसमें आ गया धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, वन टू थ्री फोर डॉट डॉट, ऋणात्मक पूर्णांक इसमें आ जाएगा, इसका नेगेटिव होगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डॉट डॉट। जीरो जो है ये पूर्णांक है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये एक पूर्णांक है। अब चौथा आता है परिमेय संख्या, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड चौथा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो तथा Q 0 न हो। यहाँ P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। P Q दोनों मेंबर किसका है, Z यानी इंटीजर। P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, लेकिन Q 0 न हो।
जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन जीरो ना हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन किन संख्याओं का समूह होता है हम इसमें आपको बता रहे हैं। जैसे पहले ले लेते हैं पूर्णांक, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। कैसे? आइए जैसे मान ले के दो, दो क्या है? पूर्णांक है। तो दो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1, ये 2 के बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमने ये भी ये जो है P/Q के रूप में है। तो पूर्णांक को जो है दो पूर्णांक है, इसको 2/1 ये P/Q रूप में आ गया। तो ये पूर्णांक क्या हुआ? परिमेय संख्या। जीरो पूर्णांक है, इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। जीरो में किसी से भाग गुणा करते हैं तो 0 के बराबर आ जाएगा। ये भी क्या है? P/Q के रूप में है। तो यानी सभी पूर्णांक, अगर नेगेटिव अगर लेते हैं, माइनस अगर ले लें 9, तो इसको -9/1, ये भी P/Q के रूप में है। यानी सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका एक और समूह होता है भिन्न। तो भिन्न जो होता है, ये भिन्न होता है अंश बाय हर। तो अंश बटा हर, तो ये भी P/Q के रूप में है। तो सभी भिन्न क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगे। इसको हम दिखा सकते हैं, जैसे 2/5, 3/4, 3/7, ये सब जो है P/Q के रूप में है। तो सभी भिन्न क्या होंगे? P/Q के रूप में है। तो सभी भिन्न पूर्णांक होते हैं, परिमेय संख्या होती है। से दशमलव, दशमलव भी क्या है? परिमेय ही संख्या है। जैसे दशमलव में हम लिखते हैं 0.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 होगा, तो 1/2, ये भी क्या है? P/Q के रूप में। तो दशमलव किस रूप में आ गया? P/Q के रूप में। तो दशमलव भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें 1.2, तो इसको लिख सकते हैं 12/, और ये दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हो गया, 1 0 होगा। तो ये हम 2 से ये दोनों भाग लगेगा, ये 6 मरतबा जाएगा, नीचे वाला 5 मरतबे, तो ये 6/5, ये भी P/Q के रूप में है। तो हम देख रहे हैं कि सभी पूर्णांक P/Q के रूप में आ रहा है, भिन्न भी P/Q रूप में है, दशमलव भी क्या है? P/Q के रूप में है। यहाँ पर Q 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या, भिन्न भी क्या है? परिमेय संख्या होती है, दशमलव भी क्या है? वो भी परिमेय संख्या होती है। विद्यार्थियों, यहाँ सवाल ये कहता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी? तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो यहाँ दिया गया 1, 2, 3, 4, वो पूर्ण संख्या में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होती है। अगर इसका उल्टा कहता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होगी, तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। एक और सवाल जो है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होगी? तो हाँ। तो पूर्ण संख्या जो आप यहाँ देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 5, ये पूर्णांक में मौजूद है। तो सभी पूर्ण संख्या है क्या? पूर्णांक होगी, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक में जो नेगेटिव है इसमें मौजूद नहीं है। तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगी। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 1.1 का है ना, जो प्रश्न दिया गया है
उसका हम हल बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद।